नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 21 मई की दोपहर बाद की बहुत बड़ी न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आप जैसा कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज शिक्षा मित्रों ने जो याचिका डाली थी उस पर सुनवाई हुई, जो कि 40-45 पर बहुत ही फोकस रहा और शिक्षा मित्रों के वकीलों ने अपनी पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहीं बात करते हैं कि शिक्षा मित्रों की कि सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 40-45 पर कितने पास हो रहे हैं शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों के सीट सुरक्षित कर 6 जुलाई को डाटा पेश किया सरकार। चाहे तो सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है, भर्ती पर कोई स्टे नहीं, अगली डेट 14 जुलाई होगी। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने नए दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, करते हैं न्यूज़ की डिस्कस वन बाय वन और जाने कि इस भर्ती में क्या खास होने वाला है। जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इसके बाद दो जजों ने आदेश में संशोधन की इच्छा जताई और मामले को ओपन कोर्ट में सुनने का आदेश भी दिया। इसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट में सभी पक्षों से जवाब मांगा गया और अगले जुलाई, इसकी 14 जुलाई हो चुकी है। और दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि इसमें ओपन कोर्ट में सुने जाने की पूरी इसकी इच्छा है। और आगे चलते हैं न्यूज की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष भेजें। सरकार बताए कि 40-45% पर कितने सामान्य और आरक्षित पास हो रहे हैं और यहां तक कि 40-45 पर शिक्षा मित्र कितने पास हो रहे हैं, उन सभी का एक चार्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए। और जब शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के तौर पर कार्य करते रहना है और उन्हें छोड़ा न जाए। मामला क्या था? दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पहले वरिष्ठ मुकुल रोहतगी ने दलील दी। उनकी दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। फिर कोर्ट ने दुष्यंत दवे और आर्यन सुंदरम जी की दलील पर याचिका को खारिज करने के आदेश को में मॉडिफाई करने की मंशा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में इतने पक्षकार हैं, उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनना मुश्किल है, लिहाजा सभी मामले की सुनवाई अब तक लंबित रहेगी। मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी, मतलब क्या है कि अब ओपन कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई होनी है। जब तक कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी किया जाएगा, दुष्यंत दावे ने ओपन कोर्ट में सुनवाई होने तक मामले का विरोध टालने का भी इसमें किया। और साथ में याचिकाकर्ताओं के विरोध के बाद आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दुष्यंत दावे से पूछा कि अच्छी योग्यता वाले शिक्षक मिल रहे हैं तो फिर बार लोअर करने की इच्छा क्या मतलब है और क्या तो क्या? इस पर शिक्षा मंत्री की ओर से पटवालिया ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है, इसमें काफ़ी लोचा है। योग्यता का आधार 10वीं 12वीं और BEd BT से कुल नंबरों का 10% होगा। मतलब कि उन्होंने जो याचिका खारिज हुई थी सुप्रीम शिक्षा मित्रों की, कि PS पटवालिया साहब ने इसको संभाल लिया और उन्होंने सही तरीके से उसको परिभाषित किया। अभी तक कोर्ट में जो मानक अंक था वो परिभाषित नहीं हो रहा था, किंतु शिक्षा मित्रों की तरफ से जो PS पटवालिया थे उन्होंने इसको थामा। और साथ में सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सवाल कि शिक्षा मित्रों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि मेरिट के नाम पर बाहरांगन और अन्य नियम क्यों बदले। उन्होंने पूछा है कि जब हो रहा था कि आपने ये इस प्रकार के नियम इसमें क्यों बदले हैं। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि कल इसके बारे में सरकार से दिशा निर्देश लेकर बताएंगे। इस पर कोर्ट ने भी हम फिर सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते कहा। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियम परीक्षा से पहले या बाद में बदलना कितना सही है कितना गलत है। इस पर वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि रिजल्ट रिकुलेट और रिकमांडेट हो 40-45 के आधार पर ही, पहली परीक्षा किसी और आधार पर और दूसरी परीक्षा किसी और आधार पर क्यों। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ये लोग प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को कम प्रतिभा वालों से कब्जा चाहते हैं। क्या थी मुकुल रोहतगी की दलील?
कि सबसे पहले शिक्षा मित्र को दलील रखते मुगल रोहतगी ने कहा कि सिंगल बेंच जज के आदेश में दावे का समर्थन में निर्णय दिया गया था, लेकिन डिसीजन में हमारा पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामला हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल को लेकर है भी है और नियुक्ति प्रक्रिया लगातार किए जा रहे बदलाव भी हैं, जिस पर जस्टिस लत ने पूछा कि कितने शिक्षा में नियुक्त हुए थे सरकार की। और जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 20,000 फीस सरकार ने शिक्षा मित्रों के बजाय 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकाली। मुकुल रोहतगी ने शायद सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर देगा। दोस्तों देखना है कि सरकार से अब ये पूछा गया है कि शिक्षा मित्र इसमें कितने पास हो रहे हैं, कि शिक्षा मित्रों के डाटा में कोई छेड़छाड़ न किया जाए, आप चाहे तो भर्ती प्रक्रिया को आगे रख सकते हैं। अब हो सकता है दोस्तों जो शिक्षा मित्र में 40-45 पर पास हैं उनको नौकरी मिलने जा रही है, और आशा करते हैं कि जो भाई शिक्षा मित्र इसमें याची बने हुए हैं उनको 100% इसमें जॉब मिलने जा रही है, क्योंकि 72,825 में भी ऐसा ही हुआ था, जो याची बन चुके थे उन सभी को नौकरी पक्की हो चुकी थी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।